एक तरफ पाकिस्तान की सेना हथियार बेचकर अरबों डॉलर कमा रही है तो दूसरी ओर पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि आम जनता दाने दाने को मोहताज है। जी हाँ, पाकिस्तान बुरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है और इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इतने बड़े संकट के बीच खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की सेना ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद यूक्रेन को बेचकर बड़ा मुनाफा कमाया है। खबर है कि पाकिस्तान ने इन हथियारों को पश्चिमी देशों के रास्ते यूक्रेन भेजा है। दरअसल द न्यू इंडियन वेबसाइट के हाथ लगे कुछ दस्तावेजों के मुताबिक इस साल फरवरी और मार्च के बीच 42,122 mm BM-21 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान से यूक्रेन भेजे गए थे। इन हथियारों को पाकिस्तान ने ब्रिटेन, अमेरिका और सऊदी अरब के रास्ते यूक्रेन भेजा था। वेबसाइट के हाथ लगे बिल से पता चला है कि पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब के रास्ते यूक्रेन को गोला बारूद भेजने का काम कर रही हैं। वेबसाइट को मिले दस्तावेजों के मुताबिक पाकिस्तान ने 60,155 mm हाउही M107 शेल्स को अमेरिका के रास्ते यूक्रेन भेजा, 25,120 mm मोटर बम, 20,122 mm ही D30 RC और 130,000 रॉकेट 122 mm MBRL रॉकेट ब्रिटेन के रास्ते और 30,040 mm RPG-7 हीट बारूद सऊदी अरब के रास्ते से यूक्रेन की सेना तक पहुंचाया गया है। इन हथियारों की बिक्री से पाकिस्तान को अब तक $664 मिलियन मिल चुके हैं, जबकि बाकी $3,009 मिलियन मिलने अभी बाकी हैं। ये बात भी हैरान करने वाली है कि $364 मिलियन में से मुनाफे का 80% हिस्सा रावलपिंडी में पाकिस्तान सेना के मुख्यालय में पहुंचाया गया है। इन दस्तावेजों से ये भी पता चला है कि किस तरह के हथियारों को भारी तादाद में पाक सेना के मुख्यालय पर जमा किया गया है। इन हथियारों की बिक्री से जो मुनाफा पाकिस्तानी सेना को हुआ है वो भी चौंकाने वाला है। शायद यही वजह है कि देश के आर्थिक संकट के बावजूद पाकिस्तानी सेना हथियार हासिल करने में लगी हुई है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।